अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे और लाइफ को इन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त को जितना हम लोग इन्जॉय करके गुजार लेंगे उतना ही अच्छा है। स्ट्रेस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। तो अभी हम लोग सो के उठे हैं और टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, 1 बज रहा है और अभी बन रहा है नाश्ता। तो जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, क्वारंटीन लाइफ स्टार्ट हुई है, तो किसी के उठने बैठने खाने का कोई टाइम नहीं है। जब भी सोकर उठते हैं तो नाश्ते का ही टाइम होता है, स्टार्ट नाश्ते से ही लेते हैं। अभी मैं ऑमलेट बना रही हूँ, साथ में मैं बर्गर के जो बंद पड़े हैं वो मुझे लगता था बासी होने वाले हैं, तो मैंने कहा उसी को खाते हैं, ब्रेड नहीं यूज़ करेंगे, पहले उसको फिनिश करेंगे। तो अभी मैं अंडे में नमक, काली मिर्च डालकर, जो मैंने वेजिटेबल्स काट कर रखी हैं, टमाटर, धनिया, प्याज वगैरह, वो डालकर इसको अच्छे से फेंट लूँगी और उसके बाद इसका ऑमलेट बनाएंगे। तो जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे ही ये लाइफ ख़त्म होगी, ये क्वारंटीन लाइफ ख़त्म होगी और हम लोग वापस अपनी पुरानी वाली रूटीन में जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मेरी पहले जो रूटीन थी वो बहुत ही ज़्यादा फिक्स थी और काफ़ी सालों से वही एक रूटीन चल रही थी। लाइक जब से मेरी शादी हुई है वही सेम रूटीन थी कि सुबह 8 बजे उठना है, हस्बैंड ने काम पर जाना है, फिर 1 बजे तक खाना मेरा रेडी होता था, 8 से लेके 1 बजे के बीच में जो भी मेरे घर के काम होते थे वो मैं फिनिश कर लेती थी, खाना बना लेती थी। 1-1.5 बजे के करीब हस्बैंड घर आ गए, खाना दिया, सो गए वो, फिर उनका 3:30-4 बजे वापस काम पर जाने का टाइम, और फिर शाम में चाय का टाइम होता था, कॉफ़ी का, मेरा मगरिब से पहले मैं कॉफ़ी चाय पी लेती थी, और इसके बाद फिर जो होता था जी शाम में खाना खाकर हम लोग मैक्सिमम 9:30-10 बजे तक फ्री हो जाते थे और 10 बजे हम लोग अपने अपने कमरों में चले जाते थे। लेकिन अब जो रूटीन बन गई है पिछले 15 दिनों से, यकीन करें इस लाइफ से भी आप तंग आ जाते हैं। शुरू शुरू में आप इंजॉय करते हैं कि हाँ यार ये रूटीन ज़्यादा अच्छी है, जब मर्ज़ी दिल करे उठे, जब दिल मर्ज़ी करे सो जाएं, और कोई मेरे लिए टाइम फिक्स नहीं था कि खाना बनाना है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि नाश्ता लेट हो रहा है, फिर स्नैक्स चल रहे हैं, तो फिर खाने की तो किसी को इतनी परवाह है नहीं घर में, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है खाने पीने में। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही हम लोग पुराने वाली रूटीन में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होने वाली है, क्योंकि मेरी रूटीन बिल्कुल आउट है और मुझे वापस उस रूटीन में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 दिन मुझे भी थोड़ी सी परेशानी सी होगी। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह वो भी टाइम जल्दी आए और हम लोग वापस अपनी अपनी रूटीन पर जाएं और जैसा रूटीन होता है उसी में ज़िंदगी चले तो ज़्यादा मज़ा आता है। इस लाइफ को कोई भी आई थिंक ज़्यादा देर तक इंजॉय नहीं करने वाला। अब तो सब लोगों ने समझ लिया है कि इंशाल्लाह ये जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा ये वायरस, तो तब तक थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं। लेकिन यकीन करें अब एग्जॉस्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं सब। तो जी, जूस मैंने निकाल के रख लिया था फ्रेश, इसमें आइस क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं, नाश्ता रेडी है, चलते हैं नाश्ता करते हैं। और आज मैंने सोचा है कि जो मेरा तीसरा रूम है जहाँ पर मैंने अपना डाइनिंग टेबल प्लेस किया है उसको क्लीन करना है, वहाँ पर बहुत मेस है, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलते हैं और करते हैं घर के काम स्टार्ट। सो आज हमारा मिशन है इस रूम को ठीक करने का, खाली करने का। पहले यहाँ पर एक कबर्ड थी जिस कबर्ड में ये सारा सामान था, हस्बैंड के ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, पेपर्स पड़े थे, कुछ सामान पड़ा था, अभी इन सारे कबर्ड को हमने निकाला है, निकाल के उनकी चीज़ों को हम लोगों ने सेपरेट किया है, जो रखने वाली होंगी वो रखेंगे
और जो नहीं रखने वाली होंगी उसको हम लोग वेस्ट कर देंगे, और उस कबर्ड को हम लोग बाहर ले गए ताकि जितना सामान है वो बाहर निकल आए, एकदम से पता चल जाए कि क्या चीज़ रखने वाली है क्या चीज़ नहीं इस्तेमाल की। और जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरे लगेज बैग निकले थे मेरे बेड के नीचे जो स्पेस है वहाँ से, अभी उनको भी दोबारा से उनके अंदर सारे कपड़े वगैरह जो विंटर्स के मैंने वॉश करके रखे हैं उनको मैं समेट कर दोबारा से बैग्स में डालकर उसको बेड के नीचे रख दूँगी। बेड के नीचे बहुत स्पेस है मेरे, तो काफ़ी सामान वहाँ चला जाएगा। और ये जितना भी सामान है ये हस्बैंड अपने वापस अपने ऑफिस में ले जाएंगे, क्योंकि सारा उनका काम उनकी चीज़ें हैं। तो पहले घर में काफ़ी स्पेस थी, पूरा एक कमरा खाली था, तो यहाँ पर उन्होंने कबर्ड में सब कुछ रखा था। अब वो कबर्ड मैंने रिमूव कर दी है, तो अभी ये आप देख सकते हैं करंट सिचुएशन ये है। 3 से 4 घंटे लगे हैं हमें इस कमरे को साफ़ करने में, सारी चीज़ों को समेटने में, और फाइनली अब इसका ये लुक है। तो अभी हस्बैंड ये जो पकाया सारा सामान है वो अपने ऑफिस ले जाएंगे, जो भी उनका ऑफिस का सामान था। अब घर पर उसकी कोई जगह नहीं है। ये टीवी है जो कि इस वॉल पे लग जाएगा सामने। नीचे मैं सोच रही हूँ कोई फ्लोर सीटिंग का अरेंजमेंट कर लेंगे, और डाइनिंग टेबल को अब यूज़ में लाएंगे और इस एरिया को प्रॉपरली यूज़ करेंगे। तो यही होता है कि घर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते ही रहते हैं। जैसे मेरा पहले प्रॉपरली एक डाइनिंग रूम था, और उस डाइनिंग रूम के साइड पर मैंने एक प्रेयर के लिए एक जगह बनाई हुई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जैसे मेरे घर में मेरे इन लॉज मूव हुए तो फिर मुझे एक रूम उनको देना पड़ा, जिसकी वजह से ये सारा कुछ इधर से उधर उधर से इधर होने में बिल्कुल ख़राब हो डिस्टर्ब हो गई रूटीन आपकी। तो अभी इस रूम को बिल्कुल प्रॉपरली करेंगे, देखते हैं इसके साथ क्या करते हैं। अभी जी ये रूटीन आजकल ऐसी है कि आप घर के कामों को जितना ज़्यादा करवा सकते हैं करवा लें, क्योंकि हस्बैंड मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह इस काम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत होती है वो करते हैं। अभी उन्होंने मेरे साथ मिलकर सारा हम लोगों ने सामान समेटा है, सारी चीज़ों को उसकी जगह पर रखा है, और फाइनली हमारा रूम बिल्कुल साफ हो गया है। बस हमें इसे रेनोवेट करना है, अरेंज करना है फर्नीचर को और चीज़ों को, और वो तभी होगा जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। बड़ा काम हो गया है, सारा काम हम लोग कर चुके हैं। तो जी कुछ दिन पहले फ़िश आई थी, और फ़िश को मैंने मसाला लगा कर 2 से 3 ट्रेस में रख दिया है। एक में ना रखा करें, एक अलग अलग ट्रेस बना कर रखा करें। एक निकाली डीप फ्रोस्ट की यूज़ कर ली, और जब दूसरे की टाइम आया दूसरी निकाल ली, कभी भी इकट्ठा ना रखें। तो ये फ़िश है, आई डोंट नो इस फ़िश का क्या नाम है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। यहाँ पर फ़िश आपको फ़्रेश मिल रही है, जैसे कि लैम का मीट हो गया या गोट का मीट हो गया, वो आपको फ़्रेश नहीं मिलेगा, लेकिन फ़िश फ़्रेश है। तो जो लोग फ़िश खाना चाहते हैं वो ज़रूर ला के ज़रूर खाएँ, क्योंकि ओमान में अच्छी खासी फ़िश मिलती है। तो ये फ़िश फ्राई होने वाली है, साथ में मैंने जी मटर के लिए तहरी बनाई है वो मैं खाने वाली हूँ, और साथ ये फ़िश उसके साथ सर्व हो जाएगी, साथ में सैलड होगा। तो ये हमारा आज का डिनर हो जाएगा। तो ये फ़िश को आज फ्राई करी, यूजुअली मैं फ़िश को ग्रिल करती हूँ, लेकिन आज सबका मूड है कि उन्हें फ्राइड फ़िश खानी है। कोई मैंने इस पे बेसन की कोटिंग नहीं की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो जो एक तह चढ़ जाती है बेसन की, और वो एक मोटी सी तह के बाद फ़िश बिल्कुल ही अंदर से सोगी सी हो जाती है। तो बस मैंने प्लेन मसाला लगाया था, और उसके बाद उसको मैंने फ्राई कर लिया है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं किया। दूसरी तरफ मेरी मटर की तहरी भी रेडी हो गई है, और सिचुएशन कुछ इस तरह है कि मसाला मैंने बना कर रख लिया है, और इसमें यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तानी मटर जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी। और यकीन करें पाकिस्तानी मटरों का क्या टेस्ट है, आई कॉन्ट टेल यू गाइस। पिछले कितने सालों से मैं फ्रोज़न ही यूज़ कर रही थी, और जब मेरा पाकिस्तान जाना होता था तो गर्मी में होता था कि मटर नहीं सीज़न में होते थे, लेकिन इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा मटर लेके आई हूँ, तकरीबन 5-6 किलो के करीब। तो अभी काफ़ी टाइम मेरा इनके साथ अच्छा गुजर जाएगा, और जब भी मैं कोई डिश बनाती हूँ इन मटर के साथ तो उसमें पाकिस्तान का ही जायका मिलता है। तो बस मसाला रेडी किया, उसमें मटर डाले, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यूजुअली मैं यखनी डालती हूँ, आज मेरे पास यखनी नहीं थी तो मैंने प्लेन पानी डाल दिया है। और साथ में बहुत से लोग पूछते हैं राइस का, तो राइस मैं बासमती यूज़ करती हूँ, आप किसी भी ब्रांड के ले लें, बस आपने पानी की रेशो को माइंड में रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जी ये चावल जो थे भिगो के रखे थे तकरीबन आधा घंटा, और मेजरमेंट मैंने कैसे लेती हूँ, मेरे पास एक ग्लास है जो कि इसी काम के लिए यूज़ होता है। ये 3 ग्लास मैंने चावल लिए हैं, 3 ग्लास चावल लिए, इनको आधा घंटा मैंने भिगो दिया। बासमती राइस में लेती हूँ पुराने वाले, आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने इसको अच्छे से निकाल कर इसको स्टेन होने के लिए रख दिया है कि इसका सारा पानी निकल जाए। आप देख लें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो मैंने मटर का मसाला बना कर रखा था उसके अंदर मैंने, जब आपने 2 ग्लास लेने हैं तो उसमें 3 ग्लास पानी डालना, मतलब 1 ग्लास पे आपने 1.5 ग्लास पानी डालना है, तो 3 ग्लास पे आपके जाएंगे तकरीबन 4-4.25 ग्लास। तो मैंने वो ग्लास पानी के डालकर हरी मिर्चें डालकर अब इसमें राइस ऐड कर दूँगी। जैसे ही पानी वेपोरेट हो जाएगा
तो जी मैं इसको दम पर रख दूँगी हार्डली 10 से 15 मिनट के लिए, अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो बस पानी की रेशो का आपने ख्याल रखना है। राइस आप किसी भी ब्रांड के ले लें, लें बासमती राइस, ट्रस्ट मी अगर आपके राइस जो होते हैं वो अच्छे से आपने पानी का हिसाब किताब सही रखा है तो आपके राइस हमेशा खिले हुए बनेंगे। तो इसको दम देते हैं, आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं, घर वालों को खाना सर्व करते हैं और आपसे मिलते हैं दोबारा। Side to side to tell my trouble come alive. I can't wait, the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. And there's a screaming in there that telling me to leave for a while. So for the first time I trust in right on now. Escape and restart all. सो जी राइस रेडी है और फ़िश फ्राई होती जा रही है और मैं बाहर भेजती जा रही हूँ और घर वाले खा रहे हैं। साथ में सैलड बनाया है, मैं खाली राइस लेने वाली हूँ, सलाद लेने वाली हूँ, रायता लेने वाली हूँ। फ़िश मुझे नहीं पसंद तो फ़िश मैं नहीं खाऊँगी। काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि मैंने ये वाला स्टोव क्यों डिस्कार्ड किया है। तो इसके बर्नर्स ने काम करना छोड़ दिया था और जहाँ खाना आधे घंटे में बनता है मेरे 1.5 घंटे में बनता था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर दूसरा वाला स्टोव रख लिया है। नीचे का जो ओवन है वो मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको पूरे को डिस्कार्ड नहीं किया। जी सारे कामों से फ्री होकर अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और ऑयल बर्नर मैंने जला लिया है और इसको जलाने से रूम में इतनी अच्छी सी एक खुशबू हो जाती है और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। साथ में हम लोग देख रहे हैं मनी हाइस्ट का सीज़न 4 जो कि अभी परसों ही रिलीज़ हुआ है और ये आपको मिलेगा नेटफ्लिक्स पे। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है, नहीं है तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फिर आप भी सारे शोज़ एंड मूवीज़ देख सकते हैं। तो इसका सीज़न 4 रिलीज़ हुआ है 2 दिन पहले और हमने 2 दिन में इसके सारे एपिसोड्स देख लिए हैं और आज इसका जो फाइनल है वो देखेंगे हम लोग, इसीलिए हमारा लेट तक जागने का प्लान है। और इतना अडिक्टिव ये शो है कि जब आप देखेंगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। तो हमने भी 2 दिन में से सारे एपिसोड्स ख़त्म कर लिए हैं और जब कोई ऐसा शो मिलता है जो कि इतना ज़्यादा अच्छा होता है तो फिर आपसे रहा नहीं जाता और आप 1-2 दिन में सारे इसके एपिसोड्स देख लेते हैं। और हम तो हैं भी इतने फ्री आजकल के, हमने सारे इसके एपिसोड्स 2 दिन में फिनिश कर लिए हैं। तो इसी के साथ व्लॉग का भी एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।